वेलकम बैक टू माई चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइजर की जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है। आप इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है सभी के, तो आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा तामझाम करने की आपको जरूरत भी नहीं है, ना इसमें किसी चीज को गलाना है, ना ही सड़ाना है। बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। पहले तो ये बात है कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो ये 7-8 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे साल में आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बनाया भी जा सकता है और इसको काफ़ी टाइम तक आप यूज़ भी कर सकते हैं और किसी भी मौसम में आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सीडलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सीडलिंग में जैसे आप प्लांट लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, तो सीडलिंग होती है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे छोटे से छोटे प्लांट से लेकर इसको बड़े से बड़े प्लांट तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसको जो फल फ्रूट्स वाले जो है प्लांट्स होते हैं, या फिर आप इसको जो है वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं या फूल वाले प्लांट्स होते हैं, तो किसी भी प्लांट में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल ये जो है फर्टिलाइज़र है। इवन आप इसको जो है लीफी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रोटम हो गया, सिग्मोनियम हो गया, कैलेडियम हो गया, या ड्रेसिना प्लांट हो गया, जिसमें ज़्यादा जैसे फल फूल नहीं होते हैं, ये लीफी प्लांट्स होते हैं, तो इनमें भी आप इनको जो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो है ये यूज़ किया जा सकता है और इसको बनाना भी आसान है। आप इसको यूज़ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये जो है अवेलेबल भी हो जाता है। अगर आप इसका सही यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, प्लांट्स पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत ही आसानी से जो है बन भी जाता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ ओनियन पील फर्टिलाइज़र की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको प्याज के छिलके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म का जो फर्टिलाइज़र है और घर पर आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन होंगे कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, या फिर इसको कितने दिन में देना है, कितनी फ्रिक्वेंसी इसकी होनी चाहिए, या फिर इसको कितने दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, क्या इसमें सही में ही फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो सभी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जो मिलते रहे। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि फायदों से आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हर घर में इसको जो है आप लेकर आते हैं, सब्जी बनाने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन कई त्योहारों में इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो लेकिन बहुत ही आसानी से देखने को आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी से ये मिलने वाला जो है फर्टिलाइज़र है, इसके छिलके बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। नंबर टू, ऐसी जो वेस्ट होती है वो भी कम हो जाती है, यूजिंग ऑफ जो वेस्ट हम यूज़ करने लगते हैं तो इससे वेस्टेज भी कम होती है। छिलके का यूज़ करना बहुत ही आसान है। नंबर तीन, ऐसे आप इंस्टेंट जो है फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, इंस्टेंट टोनिक आप बना सकते हैं। बहुत जल्दी इसका जो है टोनिक तैयार हो जाता है, फर्टिलाइज़र ये तैयार हो जाता है, 2-3 दिन में जो है फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से जो है ये फर्टिलाइज़र तैयार होने वाला है। इसमें ज़्यादा भी आपको, जैसे हम लंबे प्रोसेस वाले ऑर्गेनिक बनाते हैं जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से जो है फर्टिलाइज़र बन जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है फोटोसिंथेसिस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इसमें अगर आप इसको लीफी प्लांट्स में डालते हैं तो इसकी जो है प्लांट्स की जो चमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लांट्स की जो लीफ बहुत ज़्यादा चमकदार शाइनिंग देने लगती है, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसकी लीफी प्लांट्स में भी बेनिफिट्स है, फ्लावरिंग प्लांट में भी। अगर आपका जो प्लांट फ्लावरिंग नहीं दे रहा है, या अगर उसमें फ्लावरिंग हो रही है लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। इस फर्टिलाइज़र को आप जरूर दें। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और मिट्टी की भी क्षमता को ये बढ़ाता है। तो दोनों तरीक़ों से ये बेनिफिशियल है, प्लांट्स के लिए जैसे शाइनिंग इस पर लीव हो जाती है, फ्रूट्स के लिए बेनिफिशियल है, फूल के लिए बेनिफिशियल है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो सभी तरीक़ों से अगर हम इसे देखें तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। आप तो इस तरीके के आपको प्याज के छिलके लेने हैं। प्याज के छिलके जो है बिल्कुल सूखे होने चाहिए, इनमें बिल्कुल भी जो इस तरीके की जो है आपको छिलका नहीं लेना है, क्योंकि इससे जो है फंगस लग जाती है। तो आप इस छिलका को बिल्कुल भी ना लें, गीला छिलका बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। इस तरीके का ये भी छिलका भी आपको नहीं लेना है, आपको बिल्कुल इस तरीके के जो छिलके होते हैं ये ही लेने हैं। और अब मैं इसको जो है डाल देती हूँ। ये मैंने प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ किया है इसके लिए, चाहे तो आप कांच का डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास प्लास्टिक का था तो इसलिए मैंने यही यूज़ कर लिया। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे करके सभी ये जो है छिलके डाल दूँगी।
इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके डाल देने हैं, और उसमें बिल्कुल भी ऐसा छिलका नहीं होना चाहिए, इस तरीके का छिलका भी आपको नहीं डालना है, बिल्कुल ही सूखा जो ऊपर वाली परत होती है वही आपको डालना है। इस तरीके से आपको जो है प्याज के छिलके इसमें भर लेने हैं, ओनियन पील जिसको हम कहते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसमें जो फील हो जाते हैं ये। और आप चाहे तो गिलास यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप है जो कोई भी कांच का कंटेनर इस तरीके का कोई भी बाउल आप ले सकते हैं, या फिर गिलास यूज़ कर ले। गिलास को आपको ढकना जरूर है, ये जरूर ध्यान रखें, इसलिए मैंने ये बाउल लिया है, ये डिब्बा लिया जिससे अच्छे से ढका जा सके। अब इसमें हम डालेंगे पानी पूरा, इसको जो है ऊपर तक यहाँ तक फिल करना है जिसमें अच्छे से ये जो छिलके हैं अच्छे से डूब जाएं इसमें, तो इसको अच्छे से पानी के साथ भर देना है। फ्रिज में रखना है और ना ही इसको धूप में रखना है, इसको छाया में रखें और लाइट वाले इस एरिया पर इसमें रखें जहाँ पर इस पर लाइट भी आए अच्छे से, सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए लेकिन लाइट आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको प्रिकॉशंस यानी सावधानी क्या क्या बरतनी है। सबसे पहले तो आपको जो भी मिट्टी लेनी है वो बिल्कुल ज़्यादा सूखी भी ना हो, ज़्यादा गीली भी ना, थोड़ी थोड़ी उसमें जो सूखापन होना चाहिए, तो इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। इसको आपको जो है ना तो आपको कभी भी धूप में इसको जो यूज़ ना करें इस फर्टिलाइज़र को, या तो आपको अर्ली मॉर्निंग में यूज़ करना है, या फिर जो है बस उसमें सनलाइट नहीं होनी चाहिए, या फिर आप शाम को यूज़ करें इवनिंग में, तो दोनों टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको अगर कोई भी जैसे आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें छिलका बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और गीला छिलका भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसको छानकर ही डालना है, उसमें लीफ नहीं जानी चाहिए ना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसको अगर आप 7-8 दिन के लिए रखते हैं तो उसको बीच बीच में आपको खोलकर जरूर देखना है, जिस भी कंटेनर में आप इसको यूज़ करें तो थोड़ा थोड़ा खोल के उसको मिक्स करके तो फिर से ढक देना, जिससे जो है अच्छे से जो है बना रहेगा, इसमें ज़्यादा स्मेल भी नहीं होगी। तो हम बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से देना है, यानी किस किस टाइप से आप इसको दे सकते हैं। जैसे अब इसको 24 आवर्स हो गए हैं तो आप इसको किसी भी सीडलिंग में दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है ये दिए जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप छिड़काव भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, जैसे जैसे आप जो सीडलिंग जो है ग्रो करते हैं, जैसे सीडलिंग उग जाते हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसको बेस्ट ही बेनिफिशियल होगा। प्लांट्स है जो भी आप सीड्स उगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो है वो ग्रो करेंगे। इसके अलावा जैसे ही इस फर्टिलाइज़र को 4 डेज हो जाते हैं तो आप इसको किसी भी लीफी प्लांट्स में डाल सकते हैं, जिससे लीफी प्लांट्स की जो प्लांट की भी ग्रोथ अच्छे से होगी, और लीफी प्लांट्स में जो है शाइनिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसलिए इसको जो आप 4 डेज के बाद आप इसको लीफी प्लांट्स में यूज़ करें। उसके बाद अगर जैसे इसको 7 डेज हो जाते हैं तो आप इसको किसी भी फूल वाले प्लांट्स में या फ्रूट वाले प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे जैसे जो प्लांट पीक पर हैं अभी, जो प्लांटिंग यानी फ्लावरिंग के जो पीक पर हैं, जैसे गुड़हल का प्लांट हो गया या सदाबहार का प्लांट हो गया या अपराजिता का प्लांट है, तो इन प्लांट्स में आप इसका जो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स प्लांट में जैसे नींबू का प्लांट हो गया, अनार का प्लांट होता है, तो कोई भी प्लांट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैंगो प्लांट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इन प्लांट्स में आप यूज़ करें इनका। तो इस तरीके से आप इसकी रेशो रखें, जैसे 24 आवर्स के बाद आप इसको जो सीडली में डाल सकते हैं, 4 डेज बाद आप इसको लीफी प्लांट में डाल सकते हैं, और 7 डेज बाद है जो आप इसको किसी भी फ्रूट्स वाले या फूल वाले जो है प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये थी इसकी रेशो, इस तरीके से आप इसे यूज़ करें। और अगर इसकी बात करें कि आप इसको कितनी दिन तक सेव कर सकते हैं,
ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो आप इसको देखकर या चेक करके आप इसको यूज़ करें, क्योंकि वैसे ये सेवन टू एट डेज तक चल जाते हैं अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन वो आपको पता है कि आपके जो है एरिया में कितना टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा होती है तो ये ख़राब भी हो जाता है, तो इसलिए आप इसे आप चेक करके यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ आपको कब नहीं करना है। कभी भी आपको इसका यूज़ डोरमेंसी पीरियड में नहीं करना है, जैसे अभी जून का महीना है, इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है गुलदाउदी की और जो है गुलाब की, तो डोरमेंसी पीरियड में आप कभी भी इसका यूज़ ना करें, चाहे आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं या फिर गर्मी में यूज़ कर रहे हैं। तो अभी के लिए में जो है आप इसको गुलदाउदी में ना यूज़ करें, गुलाब में ना यूज़ करें, क्योंकि ये प्लांट है जो डोरमेंसी में जाते हैं, जब इनका सीज़न होता है तभी इनमें आप इनको यूज़ करें, जिससे ये अच्छे से ग्रो कर पाएँ। हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको कितनी बार यूज़ करना है। अगर आप लीफी प्लांट्स में यूज़ करें तो आपको 2 महीने में एक बार इसको यूज़ करना है। अगर आप इसको जो जैसे अभी ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जो बहुत ज़्यादा पीक पे अपनी फ्लावरिंग पे, जैसे गुड़हल के प्लांट्स होते हैं या बोगरा के प्लांट्स होते हैं, तो इन प्लांट्स में जो है आप इनको जो है महीने में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स के प्लांट हैं उनको भी आप महीने में 2 बार दे सकते हैं, जो अपने पीक पर हैं अभी फ्लावरिंग के और फ्रूटिंग के, तो उनको 2 बार दें। और अभी जो लीफी प्लांट्स को तो आप मैंने बता दें कि आपको 2 बार देना है। इसके अलावा जो प्लांट्स है अभी थोड़े छोटे और में फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो उनको महीने में आप 1 बार दें। तो इस तरीके से आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, तो इससे मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे इससे जो है फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिट्टी को मिल जाती हैं, जिससे प्लांट बहुत ही आसानी से बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ने में उसमें जो है सहायक होती है, काफ़ी सारे पोषक तत्व भी इसमें मिल जाते हैं, तो इसलिए बेस्ट है प्लांट्स के लिए। काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। आप इसको किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, जैसे आप एनपीके देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, तो केमिकल एक तरह से प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है प्लांट बिल्कुल जो है ख़राब हो जाता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एनपीके दे देते हैं, लेकिन उसमें केमिकल ज़्यादा हैं तो इसलिए वो ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। बेशक वो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, लेकिन वो प्लांट्स के लिए बेस्ट है और बहुत ही आसानी से आप उसको घर में यूज़ करते हैं, वेस्ट की जो है यूज़ हो जाता है इससे। होप सो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस फर्टिलाइज़र को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, घर पर आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन और कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।